हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। किस सेक्शन में कितना मार्क, ओवरऑल कितना मार्क लाए जिससे कि हमारा एलपी का जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। चलिए तो पहले हम लोग कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ की देखिए, अभी से बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं कि इतना जल्दी से कट ऑफ, हालांकि मैं भी अभी कट ऑफ वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन आप लोगों की कमेंट की वजह से मैं अभी कट ऑफ वीडियो बना सकता हूं, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इसके बाद जब हमारा टोटल फॉर्म कितना भरा जाता है उसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे, लेकिन तब तक आपकी तसल्ली के लिए हम जो है यहाँ पर आज वीडियो बना रहे हैं और ये भी बातें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। और इसके बाद हमें ज़रूरत लगी तो हम बाद में एक और कट ऑफ वीडियो लेकर के आएंगे, जब हमें ये पता लग जाएगा कि हमारा कितना फॉर्म अप्लाई हुआ। तो अभी हम लोग, हमने मान लिया है कि इसमें जो है हमारा नंबर ऑफ फॉर्म जो अप्लाई हुए हैं वो 1,00,000 हैं, तो उस बेस पे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि कितना कट ऑफ जा सकता है। कितना मतलब 1,00,00,000 मैंने माना है कि 1,00,00,000 फॉर्म इसमें पड़ गए हैं। तो और कितना भी फॉर्म पड़ जाए, 1,00,00,000 से ज़्यादा नहीं फॉर्म अप्लाई हो पाएगा, क्योंकि पिछली बार जो हमारा फॉर्म पड़ा था एलपीएल टेक्नीशियन दोनों में मिलाकर वो भी 1,00,00,000 के आसपास था, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब अपनी बात करेंगे कट ऑफ की, कितना जा सकता है हमारा कट ऑफ। तो मैं कट ऑफ को पहले से बता देता हूँ कि कट ऑफ कितना जा सकता है इस बार हमारा एलपी का। तो मैक्सिमम आपका कट ऑफ है, मैक्सिमम मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा 92 एक दो जोन का जा सकता है, बहुत कम एक दो जोन का, बाकी सबका 90 से नीचे रहेगा। ये बात अभी आप अपनी कॉपी पे लिख के रख ले जो मैं बोल रहा हूं वो, ठीक है। और जिस दिन इसका रिजल्ट आएगा उस दिन मैं भी वीडियो लेकर के आऊंगा और आप लोग कमेंट करके बताएंगे सर आपने क्या कहा था। तो जो मैं बात कह रहा हूँ बिल्कुल उसको आप लिख के रखेंगे, ठीक है। और मैंने बोल दिया कि सारी जोन का 90 से नीचे, बस एक दो जोन का है 90 से ऊपर जा सकता है, 92 के आसपास। इतना मैंने आपको कट ऑफ के लिए बोला, मैंने कहाँ से बोला क्या बोला है वो उस बात की जांच हमारी आप खुद करेंगे फ्यूचर में। बाकी आप देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या यहाँ पर आपको चीज़ें बताई कैसे आपको क्या करना है। देखिए मैंने 1,00,00,000 की बात की कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस हैं वो कितने अप्लाई हो जाते हैं, अगर 1,00,00,000 अगर हमारे एप्लीकेशन में हो जाते हैं, एप्लीकेशन हो जाते हैं 1,00,00,000, तब की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा कमी होगा मुझे लग रहा है, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अब देखिए मैथ में हमें कितना मार्क लाना है, आउट ऑफ 25 22 क्वेश्चन लाना है, ठीक है। रीजनिंग में भी कितना लाना है, 2 आउट ऑफ 25 का इसका 22 क्वेश्चन ला रहे हैं तो जी हो गया 80% मार्क ला रहे हैं हमको, कितने 80% जी, कोई बहुत छोटी बात नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 80% मार्क लाना, ठीक है। मैं बहुत मार्क लेके चल रहा हूँ और ऐसे बच्चे जी डाटा 2000 में एक बच्चा मिल जाए तो वो भी एक बड़ी बात है, ठीक है। 25 में से 22 मार्क लाना, ठीक है। सब अपनी अपनी कोचिंग पर टीचर्स होंगे वो ये बात कह रहे होंगे कि 100% 25 मार्क, लेकिन बात कहने की है ऐसी बात करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है। 88% हम मार्क 88% होगा, 88% यहाँ पर भी भाई 88%। तो भैया 88% एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई खीर नहीं है जो सार कोई खा ले, ठीक है। और बेसिक साइंस यहाँ पे हमने 32 मार्क आउट ऑफ 40 की भी, आउट ऑफ 40 मार्क में से 32 मार्क, ये कितना परसेंट हो गया, 40 में से 32 32 और बट्टे में आधार कर दो तो 4×8=32 ये परसेंट हो गया, कितना हो गया ये 80% हो गया, 80% की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत
बढ़िया लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। फिर मैंने यहाँ पे बात की है करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस। 10 में से हमने 5 कीजिए 50% मार्क की बात, और बात यही हो पाता है आप कितने तीर मार्क हाँ बहुत ज़्यादा नहीं आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो आपको पिटना ही पिटना है, ये समझ लो। तो 5 मार्क भी एक अच्छे मार्क हैं, मैं 5 मार्क लेके चल रहा दिए, और आपका सी ए करंट अफेयर का, ठीक है। अब अगर ये मार्क हम लेके चल रहे हैं तो जी मार्क हमारा हो रहा है टोटल मार्क हमारा हो रहा है 81। आप इनको ऐड कर लो, इसको और 2 को 5 को, सबको ऐड करेंगे तो हमारा बन रहा है 81 नंबर CVT 2 में। भाई साहब अगर CVT 2 में आपके 81 नंबर आए हैं तो आपने कितना कितना स्कोर किया था, बहुत बहुत मैं बोल रहा हूँ 2000 में एक बच्चा मिला तो आपकी कट ऑफ इतनी गई 2000। ये बात कोई बहुत आसान नहीं है बता रहा हूँ, और फिर लोग रेगुलर तैयारी करेंगे तो बहुत कठिन भी नहीं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हम इतना कर सकते हैं तो आज मैं यहाँ पे साइन कर रहा हूँ कि आपकी नौकरी पक्की हो जाए इस वाले जो हमारी भर्ती आई है, ठीक है जी। इतना मार्क अगर आप लेकर के आए, और इसके बाद हमारा साइको भी बीच में पड़ता है। अब साइको में हमारे कितने टेस्ट होते हैं, 5 बैटरी होती हैं, हम इसको टेस्ट बोलते हैं, 5 तरीके के हमारे टेस्ट होते हैं। इसमें पासिंग मार्क आए, आप जो मान लो कि 100 मार्क का है, 100 मार्क का होता नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ पे हर सब चीज़ को 100 मान के यहाँ पे 80% अगर 22 मार्क लाते हैं तो 88% हो जाएगा। तो आप मार्क की चल लो कि यहाँ पे 100 मार्क की हर एक बैटरी है तो हर एक टेस्ट है हमारा, तो 60% आपको अगर क्रॉस करते जाते हैं, किसी में 58 है, किसी में 57 है, किसी में आपका 60% है, किसी में 61% है, अगर ऐसा करते हैं मान लेते हैं कि आप जो है ओवरऑल 60% आता है नहीं बल्कि और 58% अगर आप ओवरऑल सारी बैटरी का इकट्ठा करके ले आते हैं तो यहाँ पे आपके मार्क आ जाएंगे 22 के आसपास। मैंने अप्रोक्स लिखा है, 22 का 23 हो सकता है, लेकिन अगर है तो 22 से नीचे नहीं होगा, इससे अप जाएगा मार्क, नीचे नहीं जाएगा अगर हर किसी में 60 जा रहा है तो, ठीक। अब मैंने मान लिया कि यार 58 के आसपास आपके हर एक बैटरी में आ जाते हैं, बल्कि पासिंग मार्क ने लिखा कि आपको 42% का होता है, लेकिन क्योंकि हमें कट ऑफ बढ़ानी है तो हम 58 की बात कर रहे हैं, 58% की बात कर रहे हैं या 60% की बात कर रहे हैं। अब यार 60% साइको में भी करना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते, मतलब बहुत ख़राब भी नहीं है, अगर हमारी तैयारी है तो 60% कर लेंगे आराम से, ठीक है। 60% मैं कह सकता हूँ कि आप कर सकते हो आराम से, अगर आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत कोशिश करते हो तो आप ज़्यादा कर जाओगे, ठीक है।